फाइनली हम पहुंचे इरीगेशन शेड पर। अब जो प्लास्टिक हमने जमा किया है डोर टू डोर जाकर, और डस्टबिन में जो भी था वो भी हमने यहाँ पर लाया। हम आपको डालेंगे प्लास्टिक बहुत सारे। सब तो क्या वनन छो, मतलब ये गंद वन जमा कर अनान प्लास्टिक वगैरह, अत बार मज क्या छो तुम वन अत बार वन हर वक्त दुकानदार कि डस्टबिन मज मा त्रो गंद खाली प्लास्टिक डालना है उसमें बस। इरीगेशन शेड जो है वहाँ की तरफ हम जा रहे हैं। दुकानदारों को हम क्या समझाएं, डस्टबिन होने के बावजूद पता नहीं इनको कि आप कौन समझाएगा। आप किस पंचायत से हो? लावर छात्रों ए। हाँ। माशाल्लाह, ये देख सकते हो आप गाइस, ये हमारे अख्तर साहब हैं। और इरीगेशन शेड में हमने जो प्लास्टिक जमा किया, तो हम हर बार यही इनवाइट करते हैं कि डस्टबिन को सही तरीके से यूज़ करें। जो आलू टमाटर वगैरह वो अलग रखे, उसके लिए अलग डस्टबिन रखे, ताकि वो आपको काम देगा। अगर आप उसको एक खड्डा खोदोगे वहाँ पर, मतलब वो आलू टमाटर वगैरह छिलका जो है वहाँ पर रखोगे उस खड्डे में, वहाँ पर आपको खाद बनेगी जो आपके खेत में काम आएगा। गाइस आप चले हम घर की तरफ। तो घर जाने से पहले मैं एक बात और दुकानदारों से कहता हूँ कि डस्टबिन को मेहरबानी करके सही तरीके से यूज़ करें। बराए मेहरबानी करके ये आलू टमाटर ना डालें। आलू टमाटर पर ही मैं फेमस हो गया हूँ तो, लेकिन ये आलू टमाटर मत डालें, ताकि ये अच्छी चीज़ नहीं है, उठाने में दिक्कत होती है। तो हम क्या करेंगे इसको, तो घर में भी आपको खाद बना सकते हैं, ये आपके खेतों में काम आ सकता है। तो लेकिन थोड़ा हम इनवाइट करते हैं तो लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता लोग समझ जाएंगे। तो गाइस आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।